सो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये एसुस का मैक्स प्रो M1 फोन है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको गीजर एक्टिवेट करके दिखाऊंगा जो MI के फोन में होता है। तो यहाँ से जो फ्रेंड्स साइड से स्लाइड करते हैं तो बैक हो जाता है, इधर से बैक हो जाता है, मतलब जो गीजर होता है यहाँ पे नेविगेशन के वो हाइड हो जाएंगे और आपको यहाँ से स्क्रीन से स्लाइड करोगे तो आपका बैक बटन या रिसेंट बटन या सेटिंग बटन ऑन होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है FNG। तो चलिए फ्रेंड इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये इस टाइप से कुछ एप्लीकेशन दिखेगी आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा फोकस में कर लूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन खुलेगी। तो आपको स्लाइड करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इस टाइप से यूज करेंगे तो ये क्विक स्वाइप हो जाएगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वाइप होल्ड करोगे तो सेटिंग में चले जाओगे सेकेंडरी एक्शन एप्लीकेशन पे। तो इस टाइप से कुछ वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एनेबल कर लेते हैं। तो एनेबल की ऑप्शन वाला बटन ये है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड दो परमिशन पूछी जा रही है, ड्रॉ ओवर अदर एप्लीकेशन एक्जिबिलिटी सर्विस। तो फ्रेंड पहले हम इसको अप्लाई कर देते हैं कि हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर ये वर्क करे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक्जिबिलिटी को भी अप्लाई ऑन कर लेता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तो फुल नेविगेशन गीजर आ रहा है। तो सिंपली आपको इसे ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये यूजर सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। तो वापस आपको बैक जाना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे एक एनेबल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FNG एनेबल हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ एडवांस सेटिंग्स है, तो मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपली बताऊंगा कैसे ऑन करना है, कैसे डिसेंड करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स लेफ्ट इज है, तो आपको सिंपल इस टाइप से यू करेंगे तो आप बैक हो जाएगा। तो राइट एज है, जो यहाँ पे इस टाइप से यू करेंगे तो इधर से ये बैक हो जाएगा। तो वापस मैं इधर करूँगा तो आ जाएगी एप्लीकेशन, खाली एक बार अगर स्लाइड करेंगे तो वापस ये बैक होगा। तो फिर बॉटम एज है जो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स जैसे अगर आप यहाँ पे दिखाया गया इस पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस पर जाएंगे तो होम पेज पर चले जाओगे, तो इस पर जाओगे तो फ्रेंड्स बैक में चले जाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ये आप इधर से देख सकते हो, मैं स्लाइड करता हूँ तो वापस इसी एप्लीकेशन पे आ गए। तो फ्रेंड्स ये इस टाइप से कमाल है। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी तो आप एक दो दिन चलाओगे तो फ्रेंड्स आपको ये वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग चाहते हो तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है बॉटम एज पे। तो यहाँ से आपको जो एक्शंस हैं आप यहाँ पे छोटे बड़े कर सकते हो, 4 एक्शन 3 एक्शन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइज कर सकते हो लार्ज या लॉन्ग प्रेस। तो फ्रेंड्स इस टाइप से सभी में ये सेटिंग्स मिल जाएगी। तो आप इस टाइप से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लेफ्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो भी सेटिंग दी हुई है आपको यहाँ पे चेंज करना हो कर सकते हो, आपका जो उनसे दिल करे यहाँ से बैक करना वहाँ से बैक करना। तो फ्रेंड्स ये कर सकते हो। तो बस यही है, आप यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप से बैक हो जाएगा। डबल टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल पॉइंट आ जाएगा, इससे आप रिसेंट एप्लीकेशन पे पहुँच जाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से डबल टैक करोगे, दबा के रखोगे इस टाइप से, यहाँ से ये हो जाएगा। आप देख सकते हो इस टाइप से, तो रिसेंट एप्लीकेशन पे आ जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड अब बस आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, इस टाइप से कट कट आवाज़ आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेटिंग है और यहाँ से जाओगे तो इस टाइप से तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे सेटिंग चेंज चेक कर सकते हो। और इस टाइप से किसी भी अगर एप्लीकेशन पर गए हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड बैटरी भी देख लेते हैं। तो आपको सिंपली इस टाइप से एक बार हल्का सा स्लाइड लेना है, बिल्कुल फ़ोन के जो फिंगर है बिल्कुल कोने से स्लाइड करना, तो इस टाइप से आप बैक हो जाओगे, ठीक है। और इस टाइप से आवाज आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस टाइप की और भी सेटिंग्स पाने के लिए और खासकर मैक्स प्रो M1 के लिए ऐसी सेटिंग्स पाने के लिए, तो फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और मिलते हैं अगली प्रकार की अगली वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय।